अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों दोहा कतर में लोसेल सिटी में हूँ मैं अभी। देखें ये पीछे का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ का व्यू है, और ये पीछे समंदर है, और उसके पीछे आप दो बिल्डिंग देख सकते हैं। क्या इसका स्टाइल है, इसको जिग-जैग बिल्डिंग कहते हैं यहाँ पर। उसके बाजू में एक होटल भी है, और बिल्कुल समंदर के बाजू में बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ आज की ये शाम है। बहुत ही मस्त लग रहा, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा कि यहाँ का व्यू आपको भी बता दूँ मैं। और ये इतना प्यारा है मौसम यहाँ पर, ठंडा ठंडा, और हाँ बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ समंदर की लहरें हैं, और बाजू में बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत दरख्त कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बहुत मस्त प्यारा व्यू है एकदम। पीछे बहुत बड़ा समंदर है, और समंदर के अंदर से एक छोटा सा नदी की शक्ल में यहाँ पर ये लोग शहर के अंदर तक, सिटी के अंदर तक ये नदी लिए हैं। नदी के स्टाइल में है जो नज़र आ रहा है आपको, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत। यहाँ दरख्त देखें, बैठने के लिए और खाने के लिए अच्छे सा सिस्टम भी बनाया है, और वॉकिंग करने के लिए इतना पुरसकून जगह, काफ़ी बहुत कम जगह ऐसी मिलती है जहाँ इतना सुकून हो। हाँ दोस्तों, ये पीछे के कैमरे से यहाँ का मंजर का नज़ारा आप कर सकते हैं। क्या खूबसूरत, क्या सुंदर जगह है। देखें समंदर का मंजर है, एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ हरे भरे दरख्त हैं, घास है, और बैठने के लिए वॉकिंग जॉगिंग करने के लिए क्या प्यारी जगह है दोस्तों। थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है इसी जगह को देखने से। खाने के लिए भी कितना ज़बरदस्त, अच्छा सिस्टम बनाया है यहाँ पर। हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, क्लीनिंग काम करते हैं बहुत सारे हमारे भाई, चलिए उनसे मिलाते हैं आपको। अब नेपाल से हैं, अच्छा अच्छा। इधर कोई चाय वाय की होटल है इधर आसपास में, तो थोड़ा दूर में है ना? नहीं नज़दीकी है। नज़दीकी है मत, तुम्हारा ड्यूटी यहाँ पर कितने साल से इधर ये जगह में है? मैं तो इधर 4-5 महीने। 4-5 महीने से, मतलब इससे पहले? इससे पहले रसलापन। अच्छा रसलापन, उधर भी बहुत अच्छा जगह है ना? अच्छा, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, और काफ़ी बहुत सारे होटल्स भी यहाँ पर हैं करके भाई बता रहे हैं। तो मैं आया हूँ घूमने के लिए, यहाँ दो भाई मिले हैं हमारे। भाई साहब आत्मा क्या नाम है? जीशान अली। जोर से बोलिए ना। जीशान अली। जीशान अली भाई साहब का नाम है। तुम्हारा नाम क्या नाम है? लक्ष्मी कुमार शाह। लक्ष्मी कुमार शाह है। yeah. दो भाई हैं माशाल्लाह यहाँ पर। आप दोनों नेपाल से हैं ना? नहीं, मैं नेपाल। अच्छा आप पाकिस्तान से हैं। आप नेपाल? नेपाल से हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर? मेरा तो 4-5। 4-5 महीने हो गए आपका? एक साल हो गया। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। कैसा है कंपनी में सब? अच्छा है। क्या नाम कंपनी का? अकवा क्लीनिंग। अकवा क्लीनिंग कंपनी है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, बहुत से लोग है जॉब्स के बारे में पूछते रहते, तो आप लोग किस तरीके से आए थे इस काम के लिए यहाँ पर? तो एजेंट के थ्रू से आए थे। अच्छा एजेंट के जरिए से आए थे आप? अच्छा अच्छा अच्छा, यानी डायरेक्ट, यानी मैं यूँ समझे कि आप एजेंट थे, यानी मैन पावर के जरिए से या एजेंट के जरिए से? ये काम ने उधर बैठते ना वैसे, तो हाँ हाँ एजेंट को। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर यानी अगर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नए आदमी को आना है तो एजेंट के जरिए से ही आना है ना? अगर ये कंपनी उसको वीजा दे तो उसके जरिए से भी आ सकते हैं, लेकिन वैसे एजेंट। लेकिन डायरेक्ट हाथ में तो कंपनी वीजा नहीं देती है ना? नहीं नहीं, वो एजेंट को ही देते हैं। एजेंट को ही देते हैं? हाँ हाँ हाँ। अप्लाई करेगा कंपनी का, अगर आपको बड़ा आदमी का चिन्ह साथ में, चिन्ह पर्ची ऑफिस का आदमी का साथ, तो बात करेगा मेरा ब्रदर है ऐसा ऐसा बात है, तो आ सकता है। हाँ हाँ सही बात सही बात, यानी कोई बड़ा आदमी चाहिए ना? अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अच्छा, तो कितना आपको खर्चा आया था आने में यहाँ से वहाँ से? मैं बहुत पहले क्वारंटाइन में आया था, 2 लाख लग गया था। 2 लाख लग गया था। आप भी एजेंट के जरिए से आए थे? मैन पावर के जरिए से। अच्छा 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 अच्छा, नेपाल में जो मैन पावर जिससे आए ना आपके, क्या नाम है उसका? बहुत नाम है, सबका अपना अपना नाम होता है। अच्छा अच्छा, कोई भी मैन पावर से आ सकते हैं, मुश्किल नहीं है कि नहीं? एजेंट के थ्रू भी आ सकते हैं या मैन पावर के जरिए से भी आ सकते हैं माशाल्लाह। अर्जेंट मैन, अर्जेंट को पासपोर्ट देगा, अर्जेंट मैन पावर सप्लाई पूछता है विसा आया है क्या चीज़ का। अच्छा अच्छा, कोई अच्छा एजेंट रहेगा तो जल्दी से भी काम करवा देगा कोई भी मैन पावर से, है ना? सही बात सही बात है। आपको कितना खर्चा आया था आने में? 3.5 लाख। आपको थोड़ा 3.5 लग गया था? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अभी कंपनी में क्या कैसा है, सब अच्छा है? खाना है, पानी चल रहा है, गुजारा सब अच्छा है? हाँ अच्छा ही। सैलरी सही टाइम पर मिलता है ना? हाँ टाइम पर मिलता है। कितना सैलरी है आपका?
सैलरी तकरीबन 1500 1450 1500 हो जाता है। 1450 ओवर टाइम मिलता है? ओवर टाइम करते हैं। अच्छा, वो ओवर टाइम 2 घंटे में 2 घंटे मिलता है। अच्छा, तो आपको भी 1550 सबका सेम है? सेम है, ठीक है। तो खाना पानी अपना है कि कैसा है? अपना ही है। हाँ, यानी 1550 का मतलब ये हुआ कि खाना पानी अपना ही है। अगर खाना पानी नहीं होता ना, अपना नहीं होता तो कंपनी का होता तो 1000 रियाल प्लस 300। सही बात बिल्कुल। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप लोगों। यहाँ कोई अच्छी अच्छी चीज़ आपको पता हो तो बताइए थोड़ा सा। यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा है, बहुत मस्त। अभी 5 बजे के बाद इधर से पूरा राउंड लगाइए, खुद मालूम चला जाएगा। अच्छा, इधर आइए ना आप, थोड़ा आप बोल रहे हैं सुनाइए, नहीं तो कोई भी नजर ही नहीं आ रहे आप। अच्छा, बॉस आएगा देखेगा। दोस्तों, जो लोग क्लीनिंग कंपनी में काम के लिए आना चाहते हैं, काफ़ी बहुत काम इधर मिलेगा आपको। जिसको कोई भी काम नहीं आता है, जिसको कोई काम आता भी हो नहीं आता हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। काफ़ी बहुत सारा काम यहाँ आपको मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि यहाँ कतर में, चाहे कतर में हो चाहे गल्फ़ में, कहीं पर भी किसी भी कंट्री में, आपको क्लीनिंग काम इतना अच्छा काम है कि इसमें सैलरी भी अच्छी होती है, काम भी आसान होता है और आसानी से आपको काम मिल भी जाता है। अभी जिन लोगों से अभी मैंने बात की है, वो लोग भी एजेंट के ज़रिए से आए थे। आप भी अगर आना चाहते हैं दोस्तों, तो एजेंट के ज़रिए से बहुत आसानी से इस काम में आ सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत अच्छा काम है। और इसमें बहुत सारी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर टिप्स भी मिलता है। जहां विजिटर्स ज़्यादा आते हैं उन जगहों पर अगर आपको काम मिल जाता है ना, तो टिप्स तो आपके लिए तो काफ़ी बहुत मिल जाता है। तो उसमें सैलरी से बढ़ करके काफ़ी बहुत पैसा टिप्स में भी जमा हो जाता है आपका। क्लीनिंग काम ही एक ऐसा काम है दोस्तों, पूरी कंट्री में हर जगह, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां क्लीनिंग आदमी की ज़रूरत न पड़ती हो। चाहे हॉस्पिटल हो, रोड हो, पार्क हो, मॉल हो, घर हो, हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी आप चले जाएं, हर जगह पर आपको क्लीनिंग करने की क्लीनिंग करने वाले आदमी की ज़रूरत पड़ती है। जिसकी वजह से यहां पर क्लीनिंग कंपनियां, काफ़ी बहुत कंपनियां हैं क्लीनिंग कंपनियां, तो इस वजह से यहां पर क्लीनिंग कंपनियां, एक से एक कंपनी आपको मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी कंपनी भी है। और आपकी नसीब है कि जिस कंपनी में आपको जॉब मिल जाए, तो कोई भी कंपनी हो, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी होती है। अब जो लोग अपने अपने यहाँ, अपने गांव में, अपने सिटी में, जिसको कोई भी काम नहीं मिल रहा है, परेशान है, अगर आना चाहते हैं गल्फ़ में, किसी भी कंट्री में आप आना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, चाहे कतर आना चाहें, सऊदी, दुबई या बहरीन, उमान, इन कंट्रियों में क्लीनिंग करने वाले आदमियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और 24 घंटे ज़रूरत पड़ती है, पूरा साल ज़रूरत पड़ती है। जिसकी वजह से ये काम आपको यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। और तीसरी बात यह है कि दोस्तों, बहुत जो बहुत ज़रूरी बात है, जैसा कि मैंने बताया ना कि क्लीनिंग कंपनियाँ, अलग अलग कंपनियाँ, काफ़ी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। किसी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी है, किसी कंपनी में दरमियानी मीडियम फैसिलिटी है, कोई कोई कंपनी में खाना भी मिलता है, रूम भी मिलता है, नेट भी, वाईफाई भी मिल जाता है। यानी आपको अलग से 1 रियाल भी अपने किसी भी काम के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नेट भी मिलता है। और उसके साथ साथ दोस्तों, कपड़ा धोने के लिए, अगर आप अपना कपड़ा धोना चाहते हैं, तो आपके लिए उसके लिए अलग से भी सिस्टम रखा होता है, वॉशिंग मशीन, और उसके लिए अलग से आदमी भी रखते हैं ये लोग, जो लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं उन सब का कपड़ा वो लोग धोते हैं। और इतना सब फैसिलिटी बहुत सारी कंपनियां करती हैं। जो लोग आना चाहते हैं यहाँ, इस तरीके से पैसा बहुत है यहाँ पर, आपके ऊपर है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं उस हिसाब से आप आएँ और खूब कैसा पैसा कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा है दोस्तों। इधर तो हज़ारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं दोस्तों, और जिसके पास जितना हुनर है, जितना काम है, जितना टैलेंट है, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। तो इसके लिए अगर आप भी आना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, कोई काम आप नहीं जानते हैं, तो आप क्लीनिंग काम में आसानी से आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ना, क्लीनिंग कंपनियां, बहुत कंपनियां हैं, पता नहीं किस कंपनी में आप आएंगे और कितनी फैसिलिटी आपको मिलेगी, ये आपके नसीब की बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर क्लीनिंग कंपनी में आपको सैलरी अच्छी मिलेगी और काम बहुत आसान रहेगा, जो काम आप आसानी से कर सकते हैं, और रहने के लिए रूम और सैलरी, और कहीं टिप्स भी मिल जाता है, कहीं टिप्स कम मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ विज़िटर्स ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं,
तो वहाँ पर टिप्स ही टिप्स मिलता है, आपको इतना टिप्स मिलेगा कि आपको सैलरी से बहुत ज़्यादा पैसा टिप्स में जमा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो लोग बाहर कंट्रियों में आना चाहते हैं, अगर आप अच्छी से अच्छी क्लीनिंग कंपनी में जॉब के लिए आना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ अलग अलग क्लीनिंग कंपनीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों मैं पूरा खतर घूमता रहता हूँ कौन सी कंपनी में ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा सेफ्टी है, कि काम करने वाले आदमी को एक तो सैलरी भी अच्छी मिले, एक तो ओवर टाइम भी मिले, ताकि आपको सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। जहाँ जिस कंपनी में ओवर टाइम मिलता है, यानी बेसिक ड्यूटी के अलावा भी आप काम कर सकें, जिससे क्या होता है कि सैलरी से बढ़ करके और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको। उसके साथ साथ कंपनी भी अच्छी हो जहाँ पर खाना भी मिले, रूम भी मिलता हो, और इसके अलावा वाईफाई भी मिलेगा, कपड़ा धोने के लिए भी अलग से भी कंपनी की तरफ से पूरा कपड़ा धोकर देने का सिस्टम रहता है। आपको खुद से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती, आपका एक रियाल भी खर्च नहीं होगा। ऐसी कंपनी के मैं क्लीनिंग कंपनी की वीडियोस बनाने वाला हूँ नेक्स्ट, इसलिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बहुत फ़ायदा होगा आपका। जो लोग बहुत सारे हज़ारों हज़ारों लोग आ रहे हैं क्लीनिंग कंपनी में काम करने के लिए, आप भी आना चाहते हैं, खूब से खूब पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि जो भी नई वीडियो मैं बनाऊँगा, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँगा जिससे आपका फ़ायदा होगा, वो आपको मिल जाएगी फ़ौरन। तो इसके अलावा लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं अगर आप भी इस तरीके से आना चाहते हैं, तो या तो एजेंट के ज़रिए से या तो मैन पावर के ज़रिए से बहुत आसानी से आप इस काम में आ सकते हैं। कोई अच्छे ईमानदार तजुर्बेकार एजेंट को आप पकड़ें, एजेंट तो बहुत मिल जाएंगे आपको, हर जगह हर सिटी में हर शहर में एजेंट है, मैन पावर है। आप किसी के पास भी कोई अच्छे एजेंट को ढूंढ करके आप पकड़ें, उससे बात करके आसानी से इस काम में आ सकते हैं। क्लीनिंग कंपनी में, कोई भी क्लीनिंग कंपनी में आप आ सकते हैं, कोई भी कंट्री में आ सकते हैं। अगर आप अच्छे एजेंट को पकड़ेंगे तो अच्छे से अच्छी कंपनी वो आपको तलाश करके आपका वीज़ा निकालेगा और आपको यहाँ भेजेगा। ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप अपने दोस्तों में शेयर करें, भाइयों में, जो लोग भी बाहर कंट्रियों में रोज़ी रोटी के लिए आना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो से इतनी बेहतरीन वीडियो आने वाली है क्लीनिंग कंपनी के बारे में, कि जो कंपनी में काफ़ी यानी हाई क्वालिटी की जो फैसिलिटी होती है, उस तरह की जो क्लीनिंग कंपनियां हैं उसकी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।